कि मैंने उस मर्द मौलवी का जिक्र किया था जिसका नाम खुमैनी है, कि 46 बरस तक नमाज शब कज़ा नहीं हुई और आखिरी वक्त जो हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हुआ है उसकी अगर वीडियो कैसेट आप हजरात ने देखी हो तो उसमें भी इशारों से नमाज पढ़ रहे हैं, इशारों से नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ते पढ़ते ये देखने की चीज। और फरमाया लेकिन इंतकाल से कुछ दिनों कबल एक मकाम पर इरशाद फरमाया और असरार सलात में भी गालिबन ये जुमला मौजूद है कि मुझे मालूम नहीं पूरी जिंदगी 2 रकात नमाज भी पढ़ सका के नहीं। कुछ समझे मुझे नहीं मालूम कि 2 रकात नमाज भी इस काबिल अदा हो पाई या नहीं जो मकबूले बारगाह इलाही हो सके। ये भी नमाज को हकीर जानना है मगर अपने अमल के हवाले से, उसके हुक्म के हवाले से नहीं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, नमाज को हकीर कह रहे हैं, पता नहीं ये नमाज काबिल कबूल है कि नहीं। और हमारा आपने ये नहीं कह रहे कि वो नमाज अहम नहीं है जिसका हुक्म खुदा ने दिया। हुक्म खुदा की निस्बत से इस्तिख़फ़ाफ़ कुफ्र और अपनी जात के अमल की निस्बत से इस्तिख़फ़ाफ़ कमाल ईमान।